सुबोध और उसकी पत्नी श्री दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करते थे। दोनों को दिन के 200 रुपए मिलते थे, कुल मिलाकर एक दिन के 400 रुपए होते थे। इन 400 रुपयों में से रोज वो लोग 100 रुपए घर का भाड़ा और 100 रुपए राशन का अलग करते थे। बचे हुए 200 रुपयों में से प्रकाश की स्कूल की फीस और बाकी खर्चे निकलते थे। मैं सोच रही हूँ हमें और कुछ काम करना चाहिए। सुबह से रात तक तो हम मजदूरी करते हैं और थक भी जाते हैं, उसके बाद तुम्हें घर का काम भी करना पड़ता है। हम कैसे कुछ और काम कर सकते हैं? ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हो, जिससे हमारी कुछ तो आमदनी बढ़े। माँ, हम कपड़े धो सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं, मैं ही सारे कपड़े धो लूँगा। पर तू अकेला कैसे करेगा? वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन? ये क्या है? ये एक मशीन होती है जिसके अंदर कपड़े डालकर सर्फ और पानी डालना होता है। मशीन अपने आप कपड़े धोती है और आधा सूखा भी देती है। लेकिन वो तो बहुत महंगी होगी ना? महंगी तो होगी पापा, पर मैंने कल ही एक वॉशिंग मशीन कबाड़ी की दुकान पर देखी है, हो सकता है कबाड़ी सस्ते में बेच दे। हाँ, वैसे भी वो कबाड़ी मेरा दोस्त है, हमें सस्ते दामों पे दे देगा। पर उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना? वो तो है, तुमने जो पैसे जमा किए हैं वो अब तक कितने हैं? लगभग 3000। ठीक है, देखते हैं, अगर इससे ज्यादा दाम होगा तो पैसे एक दो महीने में कबाड़ी को देंगे। पर हमें कपड़े कहाँ मिलेंगे धोने के लिए? उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ इंजीनियर और बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सब अपने कपड़े बाहर ही धोने को देते हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। ये तो बहुत बढ़िया होगा, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। हाँ माँ। सुबोध और उसके परिवार ने पहली बार कुछ नया करने का सोचा था। वो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी आमदनी बढ़े और उनकी गरीबी खत्म हो जाए। उसी शाम प्रकाश अपने पापा को लेकर कबाड़ी के दुकान पर गया। अरे नीरज, वो वॉशिंग मशीन है ना? हाँ, पर उसमें थोड़ी खराबी है। क्या खराबी? वो वॉशिंग मशीन कपड़े आसानी से धो तो देती है पर अच्छे से सुखा नहीं सकती। कई मैकेनिक को दिखाया पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। दाम क्या है वॉशिंग मशीन का? वैसे तो 5000 होना चाहिए, पर क्योंकि ये सुखा नहीं सकती इसलिए 3000। 3000 सुनकर प्रकाश बहुत खुश हुआ। नीरज, मैं तुझे 2500 दे सकता हूँ। 2500 तो बहुत कम होगा। 2600 लास्ट। ठीक है, वैसे भी कितने दिनों से यहाँ पड़ी है, कोई ग्राहक मिला ही नहीं, तू ही ले जा। एक काम कर, तू वॉशिंग मशीन घर ले आ, मैं वही पैसे देता हूँ। ठीक है। सुबोध और प्रकाश घर पहुँचे और वॉशिंग मशीन भी घर आ गई। सुबोध ने आदमियों को 2600 रुपए दिए और वो लोग चले गए। अरे वाह, बस 2600 रुपए में मिल गई? वो इसलिए कि ये वॉशिंग मशीन कपड़े ठीक से सुखा नहीं सकती। कबाड़ी काका ने कहा धो तो लेती है कपड़े, पर पूरी तरह से सुखा नहीं सकती। ठीक है, हम रस्सी पे कपड़े सुखा लेंगे, एक बार आजमा के देखते हैं। श्री एक बाल्टी में मैले कपड़े और पानी ले आई। उसने वो बाल्टी वॉशिंग मशीन में उलट दी और कपड़े धोने का पाउडर भी डाला। अब बटन दबाते ही मशीन शुरू हो गई। मशीन 15-20 मिनट तक कपड़ों को अच्छे से धोती गई, फिर आवाज करने लगी। अरे ये क्या, इससे क्या हो गया? तीनों मशीन के पास आए। कहीं ये खराब तो नहीं हो गई? प्रकाश ने अच्छे से देखा तो वाटर की लाइट जल रही थी। माँ, हमें सिर्फ साफ पानी डालना होगा। ऐसा? श्री ने साफ पानी डाला और ढक्कन बंद करते ही मशीन फिर से चलने लगी। कुछ देर बाद मशीन की आवाज बदल गई और पाइप से पानी बहने लगा। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मशीन कपड़े सुखा रही है। मशीन कपड़े सुखाते सुखाते रुक गई। हो गया क्या? उन लोगों ने मशीन के अंदर के कपड़े देखे तो कपड़े साफ थे, पर पूरी तरीके से सूखे नहीं थे। ये तो कमाल है, इतना भी सुखा दिया तो बहुत है, बाकी हवा पे सूख जाएंगे। श्री ने कपड़े हवा पे सुखाने डाल दिए
अब तीनों तैयार थे अपने नए व्यवसाय के लिए। अगले दिन सुबोध और श्री ने इंजीनियर्स को बताया, सर हमने धोबी का काम भी शुरू कर दिया है, अगर आपके कपड़े धोने को हो तो हमें दे दीजिए। अरे वाह, कब से धोबी ढूंढ रहा था पर इस शहर में मुझे धोबी ही नहीं मिला। शाम को मैं सारे कपड़े ला देता हूँ धोने के लिए। ठीक है। सुबोध और श्री अपना अपना काम करने लगे। शाम को जब उनकी शिफ्ट खत्म हुई तो उस इंजीनियर के साथ कई और इंजीनियर्स कपड़े लेकर आए थे। सुबोध और श्री ने वो कपड़े अलग अलग गठरियों में बांध दिए। कब तक मिलेंगे ये कपड़े? सर कल शाम तक। ठीक है। इतने सारे कपड़े? हाँ, इंजीनियर साहब के कई दिनों से कपड़े धुले नहीं हैं। ये उनके ही हैं और उनके दोस्तों के भी। शुरू हो जाओ प्रकाश। हाँ क्यों नहीं। प्रकाश ने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले पाउडर और पानी के साथ और मशीन शुरू हो गई। एक बार प्रकाश ने नया पानी डाला और फिर मशीन कपड़े सुखाने लगी और बंद हो गई। फिर सुबोध और श्री ने सारे कपड़े सुखाने डाल दिए। अगली सुबह जब वो उठे तो कपड़े सूखे थे। उन्हें घड़ी मारकर वो अपने साथ ले गए। इंजीनियर बाबू को उन्होंने कपड़े लौटा दिए और उन्हें हर कपड़े के 10 रुपए मिले। इस तरह एक ही बार में सुबोध और श्री ने 300 रुपए कमा लिए। फिर क्या था, उनका ये व्यवसाय चल पड़ा था। वो लोग इंजीनियर्स और अन्य ऑफिसर्स के कपड़े धोकर पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे उनका इतना काम बढ़ गया कि उन दोनों ने मजदूरी का काम छोड़ दिया। एक बड़ा घर भी किराए पर लिया जहां वो ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। एक और वॉशिंग मशीन खरीद ली। अब से तीनों मिलकर कपड़े धोने का ही काम करते थे। उनका ये व्यवसाय दिन ब दिन प्रगति कर रहा था। कुछ ही महीनों में सुबोध ने शहर में धोबी की दुकान खोल ली। कभी सोचा नहीं था कि हम ये सब भी कर पाएंगे। हाँ, ये सब मेरी बेटी की वॉशिंग मशीन की वजह से हुआ है। हाँ। गरीब के घर आई वॉशिंग मशीन ने उनकी किस्मत बदल दी। किसने सोचा था कि वॉशिंग मशीन जैसी एक साधारण चीज भी किसी के किस्मत बदल सकती थी।